हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वानीराम डाल। आज अपने बात करते हैं, जब कम्पिटिटिव एग्जाम के लास्ट 10-15-20 दिन रहते हैं, तो उनमें अपने कैसे तैयारी करें। देखो, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाती है, आज 15 दिन रह गए, आज 10 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, तो अपने क्या होते जाते हैं, होज पोज होते जाते हैं, हड़बड़ाते जाते हैं। और जितना अपने हड़बड़ाते जाएंगे, उतनी ही अपनी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। दिमाग की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, दक्षता है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जिसका नुकसान अपने को एग्जाम में भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि लास्ट के जो 10-15 दिन है, अपने उनको कैसे टैकल करें। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं, लास्ट के 10-15 दिन में तैयारी कैसे करें, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी तैयारी आप 10 से 15 दिन में नहीं कर सकते हैं। आपने तैयारी पहले से कर रखी है, अब ये 10 से 15 दिन कैसे टैकल करोगे, बात ये है। इन एग्जाम डेज को है, आप कैसे टैकल करोगे, एग्जाम के पास वाले दिनों को कैसे टैकल करोगे। देखो, कोई 10वीं का, कोई 12वीं का, बीए का, बीएससी का, एमएससी का, इस तरह का तो कोई एग्जाम है नहीं। क्लासरूम का कोई एग्जाम है नहीं कि अपने रात भर पढ़े और सुबह एग्जाम दे दिया। कंपटीशन में इस तरह से सिलेक्ट नहीं होता, एक बेस चाहिए, एक नॉलेज चाहिए। तो जो लास्ट के दिन है, आप ये मत सोचने में टाइम अपना खराब करिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम में, जो आपके पास सिलेबस है वो सारा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से एग्जामिनर का दिमाग पढ़ सकते हो, अभी जैसे मैं एग्जामिनर हुआ, कोई और हुआ, कोई आप हो, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, अपने अपने आप से अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। कोई टीचर भी है, वो ये कहता है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने व्यू से ही कहता है। एग्जामिनर का व्यू कैसे पकड़ लोगे आप, अब उस आदमी को जिसको अपने जानते नहीं, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरह के क्वेश्चन चाहता है। देखो, तीन तरह के एग्जामिनर हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से दे सकता है। दूसरा एग्जामिनर ये हो सकता है कि ऐसा पेपर दूं कि स्टूडेंट को कम से कम आए, इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट निकले। तीसरा स्टूडेंट ये होता है कि जो माइनर चीजें हैं जिनको स्टूडेंट छोड़ देता है, उनसे पेपर दूं। तो ये तीनों तो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो गए, तो आप जाहिर सी बात है एग्जामिनर का तो दिमाग नहीं पकड़ सकते। इसलिए जो आपके पास सिलेबस का कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ रखा है। अब लास्ट दिनों में आप किस पे ज्यादा ध्यान देंगे, देखो जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत आसानी से याद हो गई, या आपने बार बार पढ़ी इस वजह से याद होगी, या उनके लॉजिक आपके क्लियर हो गए, तो उन चीजों को आप दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, जो याद है वो याद ही है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये आपको याद ही है, इसको दोबारा पढ़ने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो आप वो चीज पढ़ लिए पढ़िए जो आपने पहले रीडिंग लगाई थी और उसमें लगा था ये टफ है, ये शायद एक रीडिंग दो रीडिंग में याद नहीं होने वाली, या फिर क्या है, हमें इसको लास्ट टाइम में फिर से एक बार देखना पड़ेगा। ऐसी चीजों को रिवाइज करिए और रीडिंग आप अपनी फास्ट रीडिंग रखिए। देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वही चीजें उसमें दोबारा दोबारा देखते जाएं, सिर्फ जो आपको लगता है कि इसको देखने की जरूरत है, जिससे आपकी रीडिंग फास्ट होगी। आप रिवाइज हो सकता है 15 दिन में 4 बार रिवाइज कर लें। अगर 15 दिन में आप 4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये मत सोचिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, दिन कम बचे हैं, इतने दिन होते तो ये कर लेते वो कर लेते। अरे, सबके लिए एक जैसे ही दिन है, आपके लिए अकेलों के लिए कम नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम के कंपिटिटर है, जिस एग्जाम के आपके साथ, उनका उसी दिन एग्जाम होने वाला है। तो सोचने में टाइम मत बर्बाद कीजिए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट आके पूछते हैं सर कितने घंटे सोना चाहिए। ठीक है, आप 6-7 घंटे सोओगे तभी हेल्थी रहोगे, लेकिन जब एग्जाम के 10-15 दिन बचे हैं, तो आप 4 घंटे भी सो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारी बॉडी है, इसको हमें कैसे मेंटेन करना है, हम कर सकते हैं, ना कि बॉडी हमें मेंटेन करनी चाहिए, हम बॉडी को, हमारा दिमाग है वो बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। 6 की बजाय 10-15 दिन 6 की बजाय 4 घंटे सोओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आउटपुट। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको नींद आ रही है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती बुक लेके बैठे हो, तब आपको वहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। कुछ बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, मतलब इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, जैसे कई बार बुक पढ़ते हैं, इंटरेस्ट बन जाता, पूरी रात निकल जाती और दूसरे दिन को ये 1-1.5 घंटे मुश्किल से नींद आती, दूसरे दिन को दिक्कत ही नहीं होती, इंटरेस्ट था, माइंड उस किताब पढ़ने में था, तो किसी तरह की कोई थकान नहीं है। तो आप 4 घंटे भी 10-12 दिन के लिए सो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप जम के तैयारी कीजिए। हाँ, एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, भी अपने दिमाग में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, खुले दिमाग से तैयारी करनी, एक जुनून होना चाहिए, जुनून ही सारा कुछ होता है, माइंड वाइंड सब अपने आप सेट हो जाते हैं। आपका जुनून होगा एग्जाम निकालना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे, और एक बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा। ये मत सोचिए पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा, इस डाउट में रहे तो दिमाग की जो पावर है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाएगी। आप तो यही सोच के पढ़ते रहिए, हाउ एनी इस एग्जाम को अपने फाइट करना, और जिंदगी में इस एग्जाम को दोबारा नहीं देना है, क्योंकि इसको फाइट कर लेंगे दोबारा देने की अपने को जरूरत ही नहीं है।
कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन जब देखो अब आपने प्रिपरेशन किया, पूरा रिवाइज भी कर लिया है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लो कि आपका एग्जाम है 10 दिन बाद, तो आप 8 दिन ही आपके पास, 8 दिन मेहनत करिए, 9वें दिन और जो 10वें दिन एग्जाम है वो तो एग्जाम है ही, 9वें दिन तो आप पढ़ाई छोड़ ही दीजिए बिल्कुल, किसी तरह की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि माइंड को रेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया तो एग्जाम में आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी माइंड पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, अपने कोई भौतिक सॉरी अपने कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, शारीरिक काम कर रहे हैं, जैसे मेहनत वाला काम कर रहे हैं, पिछले 2-3 घंटे से काम कर रहे थे, धीरे धीरे शुरू में काम किया तो बहुत तेज रफ्तार थी करने की, फिर धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि थकान होती गई। अब अपने 3 घंटे बाद उस काम को छोड़ के बीच में 15 मिनट का हमने गैप लिया, हमने उसमें चाय पी, पानी पी, और उसके बाद दोबारा से काम लगे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जिस समय काम छोड़ा था उसकी तुलना से दोबारा काम पकड़ा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें एक टाइम मिल गया अपने शरीर की सारी एनर्जी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। अब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गई तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ क्या करेगी, काम करेगी। या फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देख लो भी, एक आपको थकान हो रही है, एक लंबी सांस भरिए, या फिर अपने कोई वजन उठा के फेंकते हैं तो 1-2-3 एक जगह एनर्जी लाने की कोशिश करते हैं, तो माइंड को एक दिन का आप रेस्ट दे दोगे तो आपने पिछले 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने जितने भी महीनों से जो मेहनत की है उस मेहनत को रिमाइंड करने के लिए आपके पास एक टाइम होगा, आपके दिमाग के पास टाइम होगा। अगर आप देखो लास्ट रात पढ़ते गए, नींद में पढ़ते गए, लास्ट में एग्जाम सेंटर में जाते जाते आपके हाथ में नोट्स है, ये कहाँ होगा वो कहाँ होगा, इस तरह से आप पढ़ते जा रहे हो, तो दिमाग उसी टाइम पे टिका होगा, रात देरी रात पढ़ रहे थे, आपको शारीरिक थकान है, मेंटली थकान है, आप एग्जाम में पूरी तरह से क्या है ना फिजिकली प्रेजेंट है ना मेंटली प्रेजेंट है, कैसे उसका आउटपुट आ सकता है। तो कम से कम 1-2 दिन पहले पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दीजिए और पूरी तरह से रेस्ट में, मूवी देखनी है मूवी देखिए, खेलना है खेलिए, आप दिमाग की दिमाग है उसको बिल्कुल रिफ्रेश रखिए, ताकि एग्जाम में बैठते ही जो आपने पीछे 10 महीने मेहनत किए, 5 महीने मेहनत किए, 2 महीने मेहनत किए, उसका फटाफट आउटपुट आ सके। ये मेरा ही कहना नहीं है, इसमें देखो सीधे सीधे लॉजिक काम करते हैं, अपने माइंड को रेस्ट चाहिए चाहिए और आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। कई बार अपने क्या बोलते हैं, पढ़ा तो बहुत था, मेहनत तो बहुत की थी, एग्जाम सेट नहीं हुआ। एग्जाम सेट न होने का कारण यही होता है, अकेला मेहनत से काम नहीं चलेगा, अपना एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, देखो अपने क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम के अंदर अपने घबरा जाते हैं। कब घबरा जाते हैं, जब अपना कोई दोस्त अपने से क्वेश्चन पूछ लेता है, या अपना कोई दोस्त घबरा जाता है अपने से उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भी कुछ उससे पूछते हैं, कुछ इंक्वायरी करते हैं किसी से, तो हो सकता है कि आपको सब कुछ याद था, सिर्फ वो याद नहीं था। अगर वो आप नहीं बता पाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है, आप 1 मिनट के लिए सोच के देख लीजिए, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसका आपको क्या याद है, 1 मिनट में सारा कुछ दिमाग में नहीं आने वाला है, जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे वैसे वैसे दिमाग में आ जाएगा। ये मत सोचो कि आपकी कितना याद है, आपको मेहनत करनी है एग्जाम से पहले, जितनी हो सके उतनी कर लो, 2 दिन 1 दिन आप दिमाग को रेस्ट दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कितना याद हो गया, क्या आपने सिलेबस को एक एक पॉइंट करके पढ़ाइए, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हो आपको कितना याद है, क्यों याद नहीं है। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको, मान लो मेरे से भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर ले तो नहीं पता, तो नहीं पता हो सकता है, वो क्वेश्चन नहीं पता हो सकता है, पता था लेकिन उस समय में बताने में सक्षम नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमारी जो तैयारी है वो क्या है, कमजोर है। इसे लास्ट के 2-4 दिनों में किसी से चोरी मत कीजिए, कोई अपने से कर रहा है उसको मना कर दीजिए, मुझे नहीं आता बस बात खत्म, या मैं नहीं बताऊंगा। उससे पहले खूब डिस्कस करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, लेकिन लास्ट टाइम में जो एक दूसरे के बीच का जो डिस्कशन होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है, किसी दूसरे के कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता है, डाउन कर सकता है। लास्ट के टाइम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, भी उसकी तैयारी कैसी है ऐसी है, आप यही समझिए कि हमारी तैयारी ही बेस्ट है और हम ही क्या है सुपीरियर है। तब जाके आप क्या है 2 दिन रिलैक्स होके मार्क ये होगा भी हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्जामिनेशन सेंटर में कभी भी लेट मत होइए, 1 मिनट भी लेट मत होइए, अगर आप 1 मिनट भी लेट होगे आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो लेट होने पे, अरे 1 मिनट में पता नहीं क्या निकल गया, क्या हो गया, पता नहीं कितना एग्जाम, तो आपकी हड़बड़ाहट, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, होना ही नहीं चाहिए माइंड डाइवर्ट आपका। आप आधे घंटे पहले जाइए, आराम से देखिए, उन लोगों को देखिए जो नोट्स लाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बस उनको देखिए और उनको एंजॉय करो, देखो देखो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, आप खुश रहिए। और एग्जाम में पहले जाके अपना रोल नंबर देखिए, आराम से बैठ जाइए, पूरा रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन करिए,
जो भी एग्जाम का टाइम आपको दिया होता है वो सफिशियंट टाइम होता है। जो टाइम किसी ने एडजस्ट किया, शेड्यूल एडजस्ट किया है, तो बुद्धिजीवी लोगों ने किया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड पूरी तरह से क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और आप टाइम से क्या होने चाहिए, सेंटर पे होने चाहिए। फिर देखिए आपके जो माइंड है उसकी एफिशिएंसी, कुछ अलग ही आउटपुट आएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे और बेस्ट रिजल्ट लेंगे। उसके अलावा क्या होता है, लास्ट के 10-15 दिनों में कई बार स्टूडेंट ये भी सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालू, मैं बहुत ज्यादा यूजुअली जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए। आप 1-2 सेट दिन में निकाल लेते हो तो बहुत है, जबरदस्ती निकालने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोरिंग होते हैं। क्योंकि कोई थ्योरी पढ़ते हो, कोई लॉजिक पढ़ते हो, तो उसमें तो मजा आता है। ऑब्जेक्टिव में तो आप कोई थ्योरी लॉजिक पढ़ते नहीं हो, ज्यादा मजा नहीं आता है आपको। 1-2 सेट इतने आप निकालते जाइए, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सा पार्ट आपका क्या है, मजबूत है, और कौन सा पार्ट आपका कमजोर है। तो कमजोर है उसको एक बार क्या कर दीजिए, रीड कर दीजिए, फिर आप तैयार हो जाइए। तो ये एक इवोल्यूशन के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो उसका भी अपने को क्या मिल जाता है, थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप दिन रात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए यूज लीजिए, ताकि आप खुद की जांच कर सको कि हाँ मेरा जो स्टेटस है वो कैसा है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ऑब्जेक्टिव लगे रहो, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएंगे, लास्ट टाइम तो ऑब्जेक्टिव बेड़ा पार लगे। देखो ऑब्जेक्टिव बनते कहाँ से, थ्योरी से ही बनते हैं, और कोई ऑब्जेक्टिव सीधे तो अपने कहीं से प्रकट होने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा थोड़ा थ्योरी पे ज्यादा गौर कीजिए और उसी को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और बी पॉजिटिव, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए। लास्ट 10 दिन में 15 दिन में क्या करना है आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप ही खुद को सबसे ज्यादा जानते हो। तो आपको जो कमजोर चीजें उनको ज्यादा रिवाइज करनी है, जो आपके लिए सॉलिड पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, उनको आपको कम रिवाइज करने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल लीजिए, 6 घंटे की बजाय 4 घंटे सो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट के 2 दिन है, उन 2 दिनों में खूब आराम, खूब रिलैक्स करना है। इससे पहले हमारे शरीर के कुछ बिगड़ने वाला, कई बार हम 2-2 घंटे ही सोते कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक रूटीन में एक लंबे समय तक आप अगर नींद कम लेते हो तो दिक्कत आती है, यहाँ 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी विश ये रहेगी कि आप सभी लोग सक्सेस हो। थैंक यू।